कबड्डी कबड्डी कबड्डी, थोड़ी लपक चपक थोड़ी लचक लचक, आया मटक मटक मैंने दिया पटक, अरे लटक दिया पटक दिया पटक दिया पटक दिया, ले पंगा 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 ले। चल कपट कपट दिल धड़क धड़क, थोड़ी लड़क झड़क मैंने लिया हड़ा, अरे ले पंगा 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 ले पंगा 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 ले पंगा। ए कबड्डिया लाल मेरा मुच्छा लाल लाल, ते पटकी 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 हुई कुसुम कुसुम, चला इधर उधर मैंने खींची टांग, वो गया पसर अरे पसर गया पसर गया पसर गया पसर गया पसर गया, पंगा पंगा ले पंगा ले। चुमक फिर दिनक दिनक किया गजब गजब, मैं गया खिसक अरे ले पंगा खिसक लिया खिसक लिया खिसक लिया ले पंगा 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 ले पंगा ले पंगा। बाजुओं में दम धरती हिला देंगे हम, ओ ओ
वट करके यहाँ पर जिक
जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से राशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से राशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा के सूरत हो खुदा। वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। यहाँ पर वीडियोग्राफी हो रही है, तालियां आप लोग बजा सकते हैं। माफ कीजिएगा, रेड हाउसेस वर्सेस पिंक हाउसेस के मध्य यह स्कूल का जो है हमारा खेल सप्ताह चल रहा है, और आज पहला खेल हम अंतिम दिवस है, पहला क्रिकेट खेल ले रहे हैं। चारों हाउस के बीच हमासान, क्योंकि चारों हाउस में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, एक स्टेट लेवल का प्लेयर है संत, जो कि पिंक हाउस के जो है क्या बोलते हैं लीडर है, और एक तरफ आर्मो चाहिए दोनों हाउस के। चलिए हमारे सुभाष अंपायर कार्य कराते हुए, पांच ओवर का मैच है, फाइनल छह ओवर का मैच खेला जा रहा है। रेड हाउस में टॉस जीतती है, सभी मैच हां चलिए रेड हाउस टॉस जीतकर पहली पर रेड ऊपर निकलेगा 500 पॉइंट माइनस। चलिए और रेड हाउस ने टॉस जीता है और निर्णय लिए क्षेत्र परीक्षण का, और देखते हैं। मैं नियम बताती हूँ, पांच ओवर का, एक उनके बॉलर दो ओवर फेंकेंगे, तीन बॉलर जो है एक एक ओवर फेंकेंगे, और हमारे अंपायर के रूप में ब्लू हाउस के सुभाष हैं और ग्रीन हाउस के दीपी सोनी। जब देखो क्रिकेट क्रिकेट, अरे हमने सोचा था पढ़ लिख के हमारा नाम रोशन करेगा, और तू है क्या क्रिकेट में लगा रहता है। ये पकड़ दुकान की चाबी और जाके दुकान खोल ले, समझ गया।
मेरी माँ ने कहा मुझे जीतना है, हर आवाज मुझे कहती मुझे जीतना है। जमाने ने कहा तू जीत नहीं पाएगा, पर अंदर की आवाज कहती जीतना है जीतना है। सबसे बड़े हैं अंबर से हम भी ठीक, एक नंबर के मिडिल क्लास के हम लड़के, जिम्मेदारियां हैं सर पे जीतेंगे किस्मत से लड़के। माँ का हाथ है जो सर पे, माँ तू टेंशन लेना मत, भर दूंगा कर्जे सारे घर के। माँ तू घबरा मत, डरना मत, अब आने वाली बारी है, पूरा करूंगा सपना। अब पापा को दिलानी गाड़ी है, दिलानी तुझको साड़ी है जो लीनी तूने, ये कह के क्या करूंगी मैं इसका, ये तो बहुत महंगी साड़ी है। लक्ष्य पे निकाए हैं, मंजिल बनी ठिकाना, अब बुरे नहीं होंगे दिन, बुरी किस्मत से बताना। अब जिंदगी का फलसफा ये जिंदगी से जाना, जब हौसला अटूट किसी भी चीज से घबराना मत। अब लाना है वो दिन के सपने देखे रातों को, हाँ करनी है मेहनत और बदलना है हालातों को, हाँ लाना है वो दिन जब मेरा नाम जाने जनता। ये माँ ने कहा हारना नहीं तो जीतना तो बनता है। आगे तू बढ़ता चल, हाँ अब तुझको रुकना नहीं है। आगे तू बढ़ता चल, हाँ अब तुझको झुकना नहीं है। मुश्किल हालातों का तो जीवन में आना जाना, जीत का इरादा लेके बस आगे बढ़ते जाना। आंखों में थे आंसू मेरी, पलकों पे नमी, कोई नहीं पास, मेरी जिंदगी थमी। छोटी मोटी बातों पे लगाता रहता आस, मंजिल तक पहुंचा दे मुझे मिले कोई काश। पर मिला नहीं कोई, बस मिले मुझे धोखे, सहेली या बहुत गुजारी रातें रोके। हर सपना जैसे टूटा मेरा, खुदा मुझसे रूठा, दिखे मंजिल ना ठिकाना, नहीं पता कहां जाना। खुद पे किया फिर भरोसा, कुछ करने को है ठाना, तो अब मुझे चलने दो, मैं राही हूँ दीवाना। हाँ अब मुझे जलने दो, मैं शमा हूँ परवाना। हार जाऊं मुश्किलों से इतना मैं कमजोर नहीं, पीछे हटू पीछे मुड़ू इतना बड़ा चोर नहीं। सब करूं मुमकिन मुझे पानी, दुनिया सारी है पलकों पे, हाँ सपने लेके रातें कई गुजारी हैं। अब तक रहा चुप पर अब मेरी बारी है, आगे मुझे जाना, मुझे रोके क्यों जमाना। ऐसे घुटके नहीं जीना बेटा, जीतने में आया नहीं जीना, ऐसे मर के नहीं जीना, ऐसे डर के यो हालातों से डर जाना, मेरी माँ ने ना सिखाया। हाँ आगे तू बढ़ता चल, हाँ अब तुझको रुकना नहीं है। आगे तू बढ़ता चल, हाँ अब तुझको झुकना नहीं है। मुश्किल हालातों का तो जीवन में आना जाना, जीत का इरादा लेके बस आगे बढ़ते जाना। आगे तू बढ़ता चल, हाँ अब तुझको रुकना नहीं है। आगे तू बढ़ता चल, हाँ अब तुझको झुकना नहीं है। मुश्किल हालातों का तो जीवन में आना जाना, जीत का इरादा लेके बस आगे बढ़ते जाना। हर कठिनाई रास्ता दिखाती है, हर हार जीत सिखाती है। चलता चल तू है मुसाफिर, दिल से चुनी हुई हर एक राह मंजिल की ओर ले जाती है। बस तू धैर्य और परिश्रम को ना छोड़ना, मंजिल का क्या है वो तो एक दिन मिल ही जाती है।
हम 2 किलोमीटर ज्यादा भागेंगे। कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए डूबे तरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए डूबे तरिए या मरिए लड़ती पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के मीठे में खद्दर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओगे तपता बोगी तो में रंग ऐसा आज बिखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होली रग रग मचल के बोली दस है ना मस है जी जिद है तो जिद है जी किसना यू ही पिसना यू ही पिसना यू ही बस करिए कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से
खिलाड़ी है संत, जो कि पिंक हाउस के लीडर भी हैं। आप ये मैच को, पहला मैच को जीत गए, फाइनल में प्रवेश कर गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आप क्या सोचते हैं कि ग्रीन हाउस और ब्लू हाउस इसमें से जो जीतेंगे उनसे आपका फाइनल होगा? क्या आप दोनों में से कौन सा हाउस टक्कर दे सकता है, ऐसा आप कुछ? दोनों में कॉमन है सर, सभी लोग अच्छे खेलते हैं। अच्छा, जो जीतेगा उसके फाइनल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। चलिए दोनों खिलाड़ी लगाए हटा दिया होते हुए मांगा है, खेल आ गया है। आप ग्रीन हाउस के कैप्टन ने टॉस जीता है, आप क्या लेना चाहेंगे? पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है और मैं चाहूंगा जल्द से जल्द आप क्षेत्र रक्षण में आए। जी हाँ, बल्लेबाजी 4 रुपया। और ये पिंक हाउस वर्सेस ग्रीन हाउस के मध्य हाउस वाइज में या फाइनल मैच खेला जाएगा और दोनों ही टीम फाइनल पहुंची है। मैं चाहूंगा दोनों कैप्टन इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से फाइनल पहुंची है और फाइनल की है आपके लिए क्या रणनीति है? थोड़ा सा हताहत है, निराश है, लेकिन हमारे बीच में पिंक हाउस है और वाइस कैप्टन सुनील। वाइस कैप्टन आप क्या कहना चाहेंगे, पिंक हाउस फाइनल पहुंची है इस विषय में? फाइनल में पहुंची है और इसमें एक तो नहीं बल्कि सभी प्लेयर का योगदान है। मैं अपने टीम को ये सजेशन देता हूं कि इस फाइनल जीते और हमारे हाउस का नाम रोशन करे। चलिए आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस दिन हमारे ग्रीन हाउस के टीम पहुंच गए हैं और आगे के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या मैच आप जीत पाएंगे? हमारी बॉडी बस तो बढ़िया है लेकिन बॉडी में थोड़ा सा सुधार लाना पड़ेगा। हम तो हरवा करेंगे किसी ख्याल में। बहुत बढ़िया। और दोनों हाउस के मध्य में या फाइनल में होना है, दोनों हाउस अपनी जोश में नजर आ रही है, वो तो वक्त बताएगा। 6-6 ओवरों का फाइनल में आज के हमारे अंपायर है ब्लू हाउस बंजारे और हमारे मनीष है रेड हाउस से। दोनों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप जो है टॉस की प्रक्रिया को पूरी कराए। इस बीच में टॉस की प्रक्रिया होते हुए 6-6 ओवरों का यह मैच है। ग्रीन तरफ संत बॉलिंग संभाले हुए हैं, हरीश लेफ्टी बैट्समैन है, काफी अच्छा हिटिंग करते हैं। हरीश को क्लीन बॉल, पहला विकेट गिर चुका है ग्रीन हाउस का। एक रन बच चुका है, दूसरा रन चुराने जा रहे हैं और ये 2 रन के लिए दौड़ चुके हैं और 2 रन पाने में सफलता। काफी अच्छा कसी बॉलिंग फेंक रहे हैं, एक ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं। जाली व्यापार है, एक रन और एक रन काटवे ना। अरे मत कर भाई, बजा कर ना भाई। अरे मजबूती के नंबर रन लेने के लिए दौड़ने वाले खेलों को मना है और मैं बता
चाहते थे पर तू ये धार बल्ले बाजी समीर की अगली गेंद और ये लेफ्ट में संभाल के खेलना पड़ेगा फाइनल मुकाबला है और ये अगले साथ जादू चला रहे हैं और अपने खाते में दो रन बटोर लिए हैं। स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। अगली गेंदी को और ये घुमा के मारना चाहते थे परंतु व्हाइट का इशारा आया है। अतिरिक्त आउट हो चुका है, सफलता मिल चुका है, टीम ने उसे फंसा लिया है चालाकी से। इस ओवर में और विकेट ले पाते हैं कि नहीं ले पाते? सुनील सुनील नॉट आउट दिया गया, आउट कर दिया है। जोरदार खुशी का माहौल ग्रीन हाउस के द्वारा ग्रीन हाउस। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा पिंक हाउस के लीडर को जो कि आप मुकाबला जीत के 1000 पॉइंट अपने हाउस में लिए हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि इस मैच को लेकर आप कितने खुश हैं और किस प्रकार से आप जीते हैं और किसका इसको श्रेय देना चाहेंगे। पूरी टीम को मैं श्रेय देना चाहता हूँ, बाकी साथी बहुत ही अच्छे शानदार बैटिंग किया और सभी लोग खेल भाव दिखाए और सभी का इसमें बहुत ही योगदान था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई पिंक हाउस को। क्रिकेट में आपने 1000 पॉइंट जीता है तो रहा है सर, लेकिन क्या करें, गंदा था थोड़ा बहुत, लेकिन कोटी लेगा गाड़ी तो लगा रहता है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अच्छे खिलाड़ी पड़ते हैं, हर जीत लगा रहता है। मैं तो दूसरा हाउस 500 पॉइंट भी अपने खाते में लाए हैं। थैंक यू चारों हाउसेस को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही स्प्रिट भावना से आपने एक खेल को संपन्न किया, दर्शकों को बहुत मजा आया। अब हम मिलेंगे ब्रेक के बाद, धन्यवाद। Yeah!
रेफरी का या कप्तान का जो डिसीजन रहेगा वही सर्वमान्य रहेगा। आप किसी भी तरीके से किसी भी